हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंपेरिजन रिव्यू बिटवीन दीज टू काजल्स पहला है स्टेक वर्की एंड जैसे कि लैकमी आइकॉनिक काजल स्टेक वर्की का काजल मैंने सबसे पहले आपको मैं दिखा रही हूँ तो इसका प्राइस है रुपीज़ वन हंड्रेड एंड सिक्स दो एक सौ छः रुपये इसका प्राइज़ है और हम ये पर्पल से परचेज़ कर सकते हैं इसके काफ़ी कलर्स और आते हैं जैसे आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हो और इसकी इसको हम और भी डिस्काउंट में से हम परचेज़ कर सकते हैं मैंने ये परचेज़ किया था सिक्सटी टू सेवेंटी रुपीज़ के अराउंड और ये मैंने यूज़ दोनों काजल में यूज़ कर चुकी हूँ स्टीक वर्ग के काजल के ऊपर जहाँ लिखा होता है ना स्टीक वर्क या वो मिट चुका हुआ है तो ये इसकी हमें ये फ़ोकस करूँगी कैमरे को और आपको मैं अभी हैंड पर ये दोनों लगा के दिखाती हूँ मैंने अपने हैंड में एक जगह स्टीक की और एक जगह ब्लैक में लिख दिया तो अब मैंने आपको दोनों अप्लाई करके दिखाती हूँ तो सबसे पहले स्टिक स्टीक की तो ये है स्टेक का काजल ये एक एप्लीकेशन में तो बहुत डार्क कलर है यह मैंने इसे दो बार अप्लाई किया एक ही जगह सही में बहुत डार्क कलर आया तो अब हम लाखमे का अप्लाई करके देखते हैं कौन सा बेटर है कौन सा नहीं इस वीडियो में सारे पॉइंट्स अब क्लियर हो जाएंगे तो ये है लाखमे आइकॉनिक काजल इसे हम आ, लोकल मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं और किसी और ऐप से भी परचेस कर सकते हैं बट जो स्टेक वर्गी का उसे हम सिर्फ पोपल से परचेस कर सकते हैं इसका प्राइस यहाँ पे वन एटी फाइव रुपीज़ मैंशन है बाकी डिस्काउंट वगैरह दूसरी ऐप से भी मिल जाएंगे तो डिपेंड करता है इसका प्राइस तो प्राइस में स्टेक वर्गी सस्ता है लैक में से तो फर्स्ट रेंड तो यही था तो अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ ताकि देख लें कौन ज़्यादा ब्लैक है और कौन ज़्यादा स्मूथ चलता है तो यहाँ पे मैं लैकमे का लैकमे ना मक्खन की तरह चलता है इसमें पर ना इसका कलर इतना डार्क नहीं है जितना स्टीक वर्की का है और अब इसकी बात की जाए क्वान्टिटी की लैकमे का पॉइंट थर्टी फाइव ग्राम है बट स्टीक वर्की का पॉइंट ट्वेंटी फाइव ग्राम है और अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ दोनों कैसे लग रहे हैं ये है स्टीक वर्की और ये है लैकमे लैक्मे में ना डार्क ब्लैक नहीं है लाइट ब्लैक कलर आ रहा है दो बार अप्लाई करने के बाद भी लाइट कलर लाइट लाइट ब्लैक आ रहा है और स्टेक वर्गी का कलर काफ़ी डार्क है और यही इसके पॉइंट्स थे एक प्राइस प्राइस में स्टेक वर्गी सस्ता है लैक में से और स्टेक वर्गी ज़्यादा डार्क है लैक में से पर लैक में की क्वांटिटी पॉइंट टेन ग्राम ज़्यादा है स्टेक वर्गी से अब मैं आपको स्मच टेस्ट करके दिखाती हूँ तो ये है इसका स्मच टेस्ट अब है लैक में सो so, ये है लैक में का दोनों स्मच हो रहे हैं ऐसा नहीं ये कि नहीं हो रहे पर लैक में थोड़ा ज़्यादा स्मच हो रहा है स्टेक वर्की से स्टेक वर्की ने अभी भी अपना ब्लैकिश कलर पकड़ा हुआ है तो ये था स्मच टेस्ट ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि स्टेक वर्की ज़्यादा बेटर है लैक में से स्मच टेस्ट में भी अब मैं आपको दिखाती हूँ वाटर टेस्ट तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि तो अब मैंने ये थोड़ा सा वाटर लिया और अब मैं आपको हैंड में लगा के दिखाती हूँ पहले मैंने स्टेक वर्की भी थोड़ा सा ना वाटर ऊपर से फिंगर्स है ना रब करूँगी तो अब मैं थोड़ा इसे ना अच्छे से रब करूँगी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा ये देखो हाथ में आपके सामने है निकल रहा है पर ना के बराबर ही है पर इसने भी अभी भी अपना ब्लैकिज कलर पकड़ा हुआ है और लैक में थोड़ा तीन चार बार रख किया तो निकल रहा है तो वाटर टेस्ट में भी स्टेक वर्क के पास है लेक में भी पास है पर स्टेक वर्क की ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू तो लेक में अब मैंने ये ना हेंकी से रब करने की कोशिश की ये देखो ब्लैक में तो सारा ही निकल गया तो ये था आज का कंपैरिजन रिव्यू आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग